विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं आप? प्रशासन के दबाव में इन्होंने बरौली विधानसभा में कुल मिलाकर जो नामांकन हुए थे उनमें से 9 नामांकन खारिज करवा दिए। हर एक में बहुत छोटी छोटी मिस्टेक कि हाँ यस नो, केवल इन चीज़ों के बिहाव में इन लोगों ने 9 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल कर दिया। जबकि नेताजी एज पर नियम आज तक का समय था, आज 11 बजे तक का समय था, बोल रहे त्रुटि का कोई मौका नहीं दिया कमीशन का जो नियम है उस नियम के ही अनुसार सुबह 10 बजे हम में से कई प्रत्याशी वहां पर पहले ही पहुंच गए थे, किंतु 10 बजे तक वहां पर कोई भी अधिकारी या कोई भी ऑफिस में कर्मचारी उपलब्ध नहीं था। जब 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 अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि नाम लेकर सबको बुलाया जाएगा बारी बारी, जबकि हम तो अपने कागज जमा करवाने के लिए गए थे। हमने ये कहा कि हम तो कागज़ जमा करवाने हैं, उन्होंने बोला कि नहीं, नाम ले लेके सबको बारी बारी बुलाया जाएगा। सबको बारी बारी अंदर बुलाकर सबके पर्चे कैंसिल कर दिए गए। हमने जो दस्तखत भी, कितने पर्चे कैंसिल हुए विद ऑब्जेक्शन किए हैं, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 9 लोगों के कैंसिल हो गए हैं। दोपहर से बैठे हुए हैं, 2 बजे के आपको बैठे लगा दिया था हमने एक्टिवेट करा के, और हम 10:15 बजे आ चुके हैं। तब भी 11 बजे तक का समय था, कोई भी कमी है वो पूरी की जाएगी। अधिकारी हमें 11:30 बजे अवेलेबल मिला है, 10 बजे क्यों नहीं बैठे अधिकारी हमारे? हमें जवाब चाहिए। और 22 तारीख को जब मैं 26 प्रारूप 26 को कंप्लीट करके ले गई थी, मैंने पूछा मैडम कोई भी इनकम्प्लीट है, मिस्टेक है तो मुझे बताइए, मेरे पास समय है, मैं पूरा करूंगी। मेरे साथ घोर अत्याचार हुआ है, अन्याय किया गया है मेरे साथ। किसने पर्चे कैंसिल कराया? नहीं दिया। किसने पर्चे कैंसिल कराया, क्या है? 9 पर्चे कैंसिल हुए हैं तेरे में से। प्रत्याशी थे हमारे बरौली विधानसभा के, वहाँ के आर ओ ने एफिडेविट में और फॉर्म में कुछ कमियों के पाते हुए, और इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, मतलब रिमाइंडर कि आप अपना कमी है तो उसको पूरा करा लें जी। उसके बाद भी कुछ लोगों के फार्म में कमियां रहीं, गलतियां रहीं, और अधूरे फार्म भरे जाने की वजह से कुछ फार्म रिजेक्ट हुए होंगे। वो रिटर्निंग ऑफिसर का अपना ज्यूरिडिक्शन होता है, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो 11 बजे से 3 बजे आज स्क्रूटनी थी, तो उसमें कुछ लोगों के फार्म रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से ये लोग अपना एप्लीकेशन लेकर के आए थे। एप्लीकेशन डीएम साहब को दे भी दिया, हम लोगों को भी दे दिया, बात भी हो गई, उसी को लेकर के ये थोड़ा सा दिक्कत थी सर। कहीं ना कहीं आरोप है कि जो इनको पहले जो समय दिया गया था 11 बजे तक का दिया गया था, प्रत्याशी पहुँच गए थे 10 बजे तक, और उसके बाद उसमें देखिए आरओ का डिसीजन जो माननीय निर्वाचन आयोग और आरपीएफ की व्यवस्था है, आरओ पूरा समय देता है और उसमें कमियां होती हैं उसके लिए नोटिस भी देता है कि आप इसको भर के ठीक करें। उसके बाद उसका डिसीजन जो हो गया वो फाइनल होता है, उसके बाद हम लोग या कोई भी आदमी दूसरा कमेंट नहीं कर सकता उसके डिसीजन पे। उन्होंने जो डिसीजन लिया उसके लिए उपयुक्त फोरम है, अगर किसी को कंप्लेन करना है तो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है, इसके लिए और कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। डीएम साहब की गाड़ी घेरी है इसका डीएम साहब को अपने कार्रवाई होगी सर इन पे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया मैडम को, एप्लीकेशन दे भी दिया गया, 9 नहीं है, 7 के संख्या में हुए हैं। लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मतलब नॉमिनेशन जो 13 थे उनमें से कुछ 9 प्रत्याशियों का नाम नहीं, नौ का नहीं हुआ, 7। वो भी आरओ का डिसीजन है, आरओ ने लिया है, गड़बड़ी रही होगी, फार्म अधूरे रहते हैं तभी ऐसी होती है, और उनका ज्यूरिडिक्शन है वो। इन्हें सर कोई और मौका दिया जाएगा क्या? यहाँ से हम लोग नहीं इस विषय में कुछ कह सकते। सर जिस तरह से डीएम साहब की गाड़ी के आगे लेट गए, ये इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डीएम साहब अपने निकल रहे थे मंडी में, हम लोग व्यवस्था देखने के लिए, वहाँ पर हमारा स्ट्रांग रूम वगैरह बनना है, उन लोगों ने एप्लीकेशन देने के लिए रोका, मैडम ने एप्लीकेशन दे भी लिया है, और उन्होंने कहा जो भी कार्रवाई जिस लेवल पर होगा हम भेज देंगे उसको।